मतलब मैं यकीन के साथ इस बारे में कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो वाकई में ये बात सोचते होंगे कि यार क्या हमने पाकिस्तान आखिर सही किया। मनु भाकर की इस समय पूरे भारत में बात चल रही है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि मनु भाकर ने जो कारनामा इस बार के ओलंपिक में करके दिखाया है, वो कारनामा पाकिस्तान पिछले करीब 32 सालों से नहीं कर पाया, 32 सालों से। और पाकिस्तान को वाकई में शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि शायद कुछ सही करना चाहते भी नहीं है। कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पहले ही गलत काम करने की अपनी नीयत से जाते हैं। दरअसल मनु भाकर को लेकर अभी काफी पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आ रही है। मनु भाकर ने एक के बाद एक दो कांस्य पदक जो है वो पेरिस ओलंपिक में जीते हैं। तीसरा पदक वो भी वो जीत सकती थी, लेकिन वो जीतने से चूक गई, चौथे नंबर पर फिनिश किया है उन्होंने। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर ये निकलकर आई कि करीब 40 कंपनियां हैं जो कि अपना ब्रांड एम्बेसडर या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कराने के लिए मनु भाकर के अब पीछे हैं। मनु भाकर ने भी इस पूरे मौके का बढ़िया तरीके से फायदा उठाया। जहां कर पे वो पहले 20 लाख रुपए चार्ज किया करती थी ऐड करने का, उन्होंने अपनी इस फीस को 6 से 7 गुना बढ़ा देकर करोड़ों में पहुंचा दिया है। एंड ऑब्वियस बात है, क्यों भी हो भी ना, क्यों ना फीस ज्यादा, क्योंकि जब आपका सिक्का चल रहा होता है तब आपको उसको चलाना भी चाहिए। लेकिन बात करते हैं जरा पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से खेलों को देखता है, उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर शायद कुछ है नहीं, और इसीलिए बाकी गेम्स में वो लोग पीछे रह जाते हैं और फिसड्डी छूट जाते हैं। दरअसल मनु भाकर ने दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था, इससे पहले उन्होंने 2020 ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। तब वो पिस्टल खराब होने की वजह से मेडल जीतने से चूक गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने सारा हिसाब बराबर कर लिया। मनु ने 28 जुलाई को महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अपना पहला मेडल जीता था। इसके बाद 30 जुलाई को उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट में देश का मान बढ़ाया। अब 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वो मेडल जीतने से एक कदम दूर रह गए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान 1948 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। उसे अपना पहला ओलंपिक मेडल 1956 में ओलंपिक में मिला था, और उसके खाते में कुल जमा अभी तक 10 मेडल है। लेकिन पाकिस्तान ने ओलंपिक में आखिरी मेडल 1992 में जीता था। ये गौर फरमाने वाली बात है, मतलब कि आज से करीब 32 साल पहले एक ओलंपिक मेडल के लिए पाकिस्तान ने मेहनत करी थी, और उसके बाद से शायद ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत की बेटी मनु भाकर ने 6 दिन में ही 2 मेडल जीतकर पूरे देश को खुशी का मौका दे दिया। जब पाकिस्तान डेलीगेट की पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी पेरिस से, तो उसको देखकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ आर्मी के रिटायर्ड फौजी हैं या करंट फौजी हैं जो कि मजे लेने के लिए पेरिस भेज दिए गए हैं। उनको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग जीतने लायक कंडीशन में तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। दरअसल हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव गोरिया से ताल्लुक रखने वाली मनु भाकर ने अपने करियर के दौरान कई खेल खेले। वो कराटे, थांगटा और टांगमे में मनु नेशनल मेडलिस्ट है। टांगटा में 3 बार के नेशनल चैंपियन है। स्केटिंग में स्टेट मेडल जीत चुकी है। वो शूटिंग से पहले बॉक्सिंग में भी मेडल जीत चुकी है, लेकिन चोट के कारण उन्हें बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। मनु भाकर ने 16 साल की उम्र में ही 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा वो ISSF वर्ल्ड कप में भी 2 मेडल जीत चुकी हैं। मतलब मनु भाकर का जो करियर है वो काफी हाई प्रोफाइल रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है इस उपलब्धि के लिए उनको आने वाले दिनों में पूरा पूरा रिवॉर्ड मिलेगा भारत में। भारत में उनके स्वागत की तैयारियां हैं, एंड यकीन मानिए उन्होंने जो चीज अचीव करी है उसको अचीव करने का कई लोग सिर्फ सपना देख पाते हैं। आने वाले दिनों में मनु भाकर कई लोगों के लिए रोल मॉडल भी साबित होंगी, एंड ऑब्वियसली बात है कई लोगों को वो इंस्पायर करेंगी, कई बच्चियों को वो इंस्पायर करेंगी कि वो आगे बढ़कर देश का गौरव बढ़ा सके, देश का मान बढ़ा सके। इस बार के ओलंपिक से आपकी क्या उम्मीदें हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।